हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं FDM। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं TDM के बारे में, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो FDM होता है वो होता क्या है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। तो FDM इज ए प्रोसेस बाय विच मोर देन वन मैसेज सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द फ्रीक्वेंसी शेयरिंग बेसिस थ्रू ए सिंगल चैनल विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग एक ही चैनल के थ्रू, ठीक है, एक ही चैनल के थ्रू हम लोग कई सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक साथ एक ही समय पर। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के बेसिस पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर कई मैसेज सिग्नल को एक ही चैनल के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम लोग देखने वाले हैं जो FDM है उसका ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ट्रांसमीटर साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपका रिसीवर साइड है, यहाँ पे बीच में आपका चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MT है जो कि मैसेज सिग्नल फर्स्ट है, MT2 है जो कि मैसेज सिग्नल सेकंड है, यहाँ पे देख सकते हैं MNT है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे मैसेज सिग्नल हम लोग को ट्रांसमिट करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक रहेगा लो पास फिल्टर LPF, जिसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। फिर कहाँ पे जाएगा, एक मॉड्यूलेशन सर्किट के पास जाएगा, एक मॉड्यूलेटर सर्किट पास जाएगा जिसको बोलते हैं MOD, मॉड्यूलेटर सर्किट। फिर जाएगा एक बैंड पास फिल्टर के पास। ठीक है, यहाँ से बैंड पास फिल्टर के पास जाएगा, यहाँ से फिल्टरिंग होगा, फिर यहाँ के चैनल के थ्रू यहाँ से फिर जाएगा आपका रिसीवर साइड में। तो रिसीवर साइड में भी तीनों का अलग अलग जितने भी मैसेज सिग्नल होंगे, ठीक है, उतने आपका बैंड पास फिल्टर लगा रहेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ से फिर इसका डीमॉड्यूलेशन होगा, इसके बाद जो भी जितने भी सिग्नल आएंगे उसका डीमॉड्यूलेशन होगा, और फिर यहाँ से इसका लो पास फिल्टर के पास जाएगा, फिर से यहाँ से जो इसका ओरिजिनल सिग्नल हम लोग जो ट्रांसमिट कर रहे थे वही हम लोग को आउटपुट साइड में मिल जाएगा, रिसीवर साइड में वही हम लोग को मिल जाएगा जो हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ है। ऑसिलेटर क्या करता है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं इससे कनेक्ट है मॉड्यूलेटर, इससे सारे मॉड्यूलेटर से कनेक्ट है ऑसिलेटर। तो यहाँ से कैरियर सिग्नल जनरेट करता है ऑसिलेटर, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑसिलेटर लगा हुआ है। तो यह होता है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ FDM सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो LPF हो लो पास फिल्टर है, MOD जो है वो मॉड्यूलेटर है, और BPF जो है वो बैंड पास फिल्टर है। ठीक है, तो यह होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो FDM होता है वो कैसे कई सारे सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग तीन सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ही चैनल के थ्रू। तो देख सकते हैं जो सिग्नल फर्स्ट है वो 30 किलो हर्ट्ज है, उसके बाद जो सिग्नल सेकंड है वो 40 किलो हर्ट्ज है, और जो सिग्नल थर्ड है वो 50 किलो हर्ट्ज है। तीनों को हम लोग फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर, जो तीनों सिग्नल है उसको हम लोग एक एक फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दिए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी है। फिर इसको हम लोग देते हैं कहाँ पे, मक्स के पास, मल्टीप्लेक्सिंग के पास। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से ट्रांसमिट करता है, फिर चैनल एक ही चैनल के थ्रू यहाँ से ट्रांसमिट होता है, फिर आता है डी मक्स के पास, यहाँ से फिर इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल नंबर फर्स्ट है वो 30 किलो हर्ट्ज अलग मिल जाता है हम लोग को, जो सिग्नल सेकंड है 40 किलो हर्ट्ज मिल जाता है, जो सिग्नल थर्ड है वो 50 किलो हर्ट्ज मिल जाता है। इस तरह से जो भी सिग्नल हम लोग यहाँ से देते हैं, ठीक है, इनपुट साइड से जो भी सिग्नल हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं वही हम लोग को आउटपुट पे मिल जाता है वही सिग्नल। अंतर यही होता है कि जो भी हम लोग सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं
कि इसका एडवांटेज क्या है, एफडीएम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एडवांटेज क्या होता है, तो मल्टीपल डाटा सिस्टम कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल। तो इसका एडवांटेज यही है कि एक ही समय पर एक ही चैनल के थ्रू में हम लोग कई सारे डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पे, ठीक है, यह इसका एडवांटेज होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एफडीएम का डिसएडवांटेज होता है कि इसमें इट्स नीड मोर बैंडविड्थ, इसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। बैंड पास फिल्टर्स आर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इन दिस सिस्टम बैंड ऑफ बैंड पास फिल्टर आर यूज्ड। जो बैंड पास फिल्टर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि जो हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं उसका जो बैंड होता है, ठीक है, उसी का यूज करते हैं। बैंड पास फिल्टर जो हम लोग यूज करेंगे उसमें जो बैंड आएगा उसका, ठीक है, क्योंकि बैंड पास फिल्टर में क्या होता है कि जो बैंड होता है एक जो स्पेशल बैंड होता है उसी को पास करता है, तो उसी बैंड का हम लोग यूज करेंगे इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगला हम लोग देखने वाले इसका एप्लीकेशन, जो एफडीएम है उसका यूज कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट में एएम और एफएम की ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज होता है। इन केबल टेलीविजन में भी यूज होता है, केबल टेलीविजन में भी एफडीएम का ही यूज होता है। और इन विच मेनी चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, यूज कहाँ पे होता है, केबल टेलीविजन में एफडीएम का यूज। और कहाँ पे होता है, एएम ब्रॉडकास्टिंग में, एफएम ब्रॉडकास्टिंग में, कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट में इसका यूज होता है। और भी कई सारे इसका यूज है, वहां पे एप्लीकेशन है कई सारे जगह पे इसका। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो सर्किट स्विचिंग होता है, एफडीएम और टीडीएम का एक आता है आपका ग्राफ, इससे हम लोग समझते हैं कि एफडीएम और टीडीएम में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग सर्किट या सर्किट स्विचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफडीएम है, ये वाला फिगर एफडीएम का है, ये वाला फिगर आपका टीडीएम का है। टीडीएम मतलब टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफडीएम होता है वो फ्रीक्वेंसी बेस पे होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिस, फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के बेसिस पे हम लोग का होता है क्या, एफडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका टाइम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं, मान लेते हैं एक है, एक बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा बैंड है, चौथा बैंड है, ठीक है, अलग अलग बैंड को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से आता है। और यही हम लोग बात करें टीडीएम की, टीडीएम में देख सकते हैं आपका टाइम डिवीजन के आधार पे होगा, टाइम बेसिस के आधार पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पे, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इसका सेम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है। और जो इसका टाइम है, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम पे हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को। और इसमें एक ही समय पर हम लोग कई सारे जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मान के हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं इसमें एफडीएम में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है एफडीएम और टीडीएम का, जिसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एफडीएम होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।